शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने नई धार्मिक संस्था शिरोमणि अकाली पंथ के गठन की घोषणा कर दी है। SGPC अध्यक्ष के चयन में कथित लिफाफा कल्चर का विरोध करने वाली बीबी जागीर कौर ने कहा कि SGPC की स्वायत्तता बहाल करने और इसके कामकाज में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी संस्था SGPC का चुनाव लड़ेगी और उसका सुनहरा दौर वापस लाएगी। बीबी जागीर कौर कपूरथला के कस्बा बेगोवाल में संत प्रेम सिंह मुराले वालों के 73वें 3 दिवसीय वार्षिक समारोह में बोल रही थी। समारोह के अंतिम दिन उन्होंने मंच से नई कमेटी की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस दौरान कहा कि सिख धर्मों की संस्थाओं को एक मंच पर आने की जरूरत उस समय से महसूस हो रही थी जब नवंबर 2022 में उन्होंने SGPC चुनाव के दौरान लिफाफा कल्चर को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि वो संत प्रेम सिंह जी के इस पवित्र स्थान से प्रण लेती हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक हर सांस के साथ सिख सिद्धांतों पर पहरा दिया जाएगा। जब से SGPC अस्तित्व में आई है तब से अब तक कमेटी ही धार्मिक सियासी व सामाजिक क्षेत्र में सिख पंथ की अगुवाई करती आई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से SGPC की इस आजाद पंथक हस्ती को जबरदस्त चोट लगती रही है। बीबी जागीर कौर ने इस दौरान शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, शिरोमणि अकाली दल की स्थापना SGPC की मदद के लिए की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे सिर्फ अकाली दल का हिस्सा बना दिया गया। पिछले 25 वर्षों में SGPC के कामकाज में गंभीर गिरावट आई है। कामकाज में अकाली दल के नेताओं के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप ने समुदाय को शर्मिंदा किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।